बनारस के एक व्यक्ति द्वारा इस भैंस की खरीदारी 68,500 रुपए में हुई है। ये नई भैंस टाइम का दूध वही 3.5-4-5 लीटर टाइम यही कर पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। 5 लीटर टाइम पे, दोनों टाइम में 10 लीटर दोनों टाइम में 10 लीटर। लेकिन हम अपने तरफ से इसे 4-4 तक ही सीमित रख रहे हैं, क्योंकि पहले बयान में भैंसों का ज़्यादा दूध नहीं आता है। इसे ही 68,500 रुपये में अभी अभी खरीदा गया है। इसका बच्चा क्या है? बच्चा पाड़ा पाड़ा ताजी भी आई है। कितना मांग रहा है वो? कितना वो बोला 59। हम बोले 56। थोड़ा ही का ही फर्क है ना, हो जाएगा। पंडित जी सौदा कराने में लगे हुए हैं, है ना? नहीं भैया, अब कर दीजिए, सिक्का डाल दीजिए। 58 लीटर नहीं ना, वो से 1 रुपया कम कर तो ना हो। अरे सिक्का लीजिए पहले हाथ पे, पकड़ लीजिए। चलिए चलिए, एक सौदे के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, है ना? बिल्कुल। हाँ, वो भी भाव बना रहे थे अपना। 500 की झगड़ा। ये कितने में हुई है? ये हुआ है 58 पर हुई ना, 58 58,000 में। इसके पास जो बच्चा है ये पाड़ा है। ये आपका लास्ट भैंस है या फिर और हुई है? ये लेके हमारा हो गया है 13 भैंस। अभी कितना लेंगे? 2 और 10 दो और लेंगे। आपकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, इस तरह से करना पड़ रहा है मंडी में। आपकी हाइट ज़्यादा है, 6 फीट 2 इंच। वो देख के थोड़ा भैंस बेचने वाले दाम बढ़ा दे रहे हैं लोग, जो है ना, जिधर आप जा रहे हैं तो लोग जरूर एक बार देख रहे हैं कि भाई ये कौन सा महाजन इतना लंबा है। ए दोस्त, ए यहाँ आओ, पर्चिया बनाओ। अच्छा तो हो जाएगा, देख लीजिए। हो गया हो गया, अब पर्ची इधर लिखिए ना। अच्छी बात है, देख रहे हैं ना, एक वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है, तब जाके एक वीडियो तैयार होती है ना। उसके बाद जितनी मेरी वीडियो सब मिला के फोटो बनाना। ठीक है ठीक है ठीक है। काफ़ी माहिर व्यक्ति हैं, है ना? हाँ, क्योंकि बात ऐसी है कि एक ऐसा भैंस था, उसका दाम था, मांग रहा था 57, इन्होंने 53 में बोल के छोड़ दिया। बाद में आए मालूम पड़ा वही भैंस 61,000 की बिकी। बिल्कुल महीन चमड़ी वाली है भैंस। बच्चा खोल दो, 58,000। ये भैंस यहाँ पे 58,000 रुपए में हुई है, जिसके पास बच्चा पड़ा है। भाई लोग, जो अभी अभी भैंस गई है उसका यहाँ पे रसीद तैयार हो रहा है, देखिए 58,000 रुपए में, है ना? एक पर्ची अगर बनती है तो उसका 400 रुपए पे करना पड़ता है, देना पड़ता है खरीदार व्यक्ति को। अदनान आलम। ये अभी अभी भैंस बिक रही है दिलदार नगर के मेला मंडी में, काफ़ी बड़ी और भारी भरकम भैंस है। ये देखिए, जो खरीदार व्यक्ति हैं यहीं पे मौजूद हैं, है ना? काफ़ी बड़े साइज की एक दुधारू भैंस है। कितने में इसे आप खरीदे हैं? 93,000 में इस भैंस की यहाँ पे खरीदारी की गई है। पहले कितना मांगा जा रहा था? पहले 15। इस भैंस का कीमत पहले 1,15 मांगा जा रहा था, लेकिन अपनी सूझबूझ से इस भैंस को 93 में खरीदा गया है।
इसके पास जो बच्चा है पड़ा है ना, काफी अच्छे थनों की बनावट वाली एक ये दुधारू भैंस। ठीक है ठीक है ठीक है, सुंदर। अभी अभी इसी भैंस की खरीदारी की गई है 93,000 में। काफी बड़ी हट्टी कट्टी दुधारू भैंस है जिसके पास बच्चा, मैं आप लोग को दिखाया यहाँ पे, ये पाड़ा है। जब खरीदारी कर दी जाती है और दूध वगैरह सब देख लिया जाता है तो भैंस को घुमा फिरा के दिखा दिया जाता है कि उसके कहीं चाल ढाल में कोई कमी तो नहीं है, और थनों के लिए भी सबसे बढ़िया रहता है घुमाना फिराना। इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भैंस को घुमाया जाता है। झूठ ना बने। बहुत से भाई चाहते हैं कि उन्हें गाभिन भैंस ही मिले, तो उनके लिए ये देखिए, इस मेला मंडी की एक मैं गाभिन भैंस को दिखाने के प्रयास में लगा हुआ हूँ। और चाचा ठीक है ना, क्या नाम है आपका? पारस यादव हैं, और ये गाभिन भैंस को लेके आए हैं इस मेला मंडी में बिक्री करने के लिए। का 85 दाम है भैया? 85 दाम है? अच्छा, हम बोले कि 85 एज हो गया इसका। 85 दाम। अच्छा तो 85 है का है? 85 रुपया के 85,000? 85,000 ये कौन से बयान में हो जाएगी? अभी कितना समय ले जाएगी ये बच्चा करने में? दांत में 6 दांत है। 10 तारीख को बच्चा दे देगी। 10 तारीख को बच्चा दे देगी, इसका मतलब 11-12 दिन। आज 28 तारीख है, 12 दिन। इधर ले आइए थोड़ा। भैया ये कौन से बयान में हो जाएगी? दूसरी है भैया, 6 दांत है दूसरी। और पिछला में कितना दूध की है? पिछला 10 लीटर। 10 लीटर झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा जी, थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। झूठ नहीं बोलेंगे। इस गाभिन भैंस को दूसरे में बताया जा रहा है कि दूसरे ब्यात में हो जाएगी। अभी 12 रोज का समय लगेगा बच्चा करने में, है ना। बिल्कुल महीन और बारीक चमड़ी वाली काली रंग की ये एक गाभिन भैंस है। क्या दाम रखे हैं चाचा? 85। कहाँ तक हो जाएगी? हो जाएगी 80। 80 के आसपास इसका कीमत यहाँ पे बताया जा रहा है। 80 से कम नहीं बोल रहे हैं। एक ग्राहक लगे हुए हैं इस भैंस की खरीदारी करने के लिए। अच्छा, आपका नज़र क्या कह रहा है इसको देख के, कितने योग्य? ये दे रहे हैं हम 60। 60 आप दे रहे हैं? वो कितना मांग रहे हैं आपसे? 75 कह रहे हैं। 75, चलिए ठीक है। ना नहीं तो हम दे बिक गई। कितने में गई है? 70 में। इसका बच्चा क्या है? बच्चा पड़िया है। बाकी भैंस को आप लोग देख ही रहे हैं, यह दोपहर के बाद ये भैंस यहाँ पर बिक रही है। इसका दूध उतारा जा रहा है सबके साथ। सत्तर में गई है। चारों धार सही था। कितने में हुई? 67.5। जब हम इसका कीमत पूछ रहे थे तो ये बताए 85,000 रुपये, लेकिन अभी अभी ये गाभिन भैंस यहाँ 67,500 रुपये में बिकी है। कितना में बेच दिए?
देखा हो भैया, ये ले लेना रमन मंदन भैया हमारे, उनको बना दे तुझे। का नाम हुआ है? मंदन यादव। मंदन यादव, और आपका क्या नाम है? शुभ नाम? गणेश यादव। गणेशु, गणेशु बोले जाते हैं मेला मंडी में। बनारस से आते हैं और यहाँ पे ये भैंस की खरीदारी के। क्या नाम है भैया? शुभ नाम, क्या नाम है आपका? मंदन यादव। अच्छा, यही भैया इस भैंस की खरीदारी किए हैं अभी अभी। गणेशु भाई, हाय गणेशु भाई, यहाँ आइए पहले। हाँ, मंदन भैया आ गए हैं और आप गणेशु भाई, आप ये बताइए कि आप कब से इस मेला मंडी में आए हैं? कितने देर हो गया? हम तो आए सुबह से। सुबह से कितना भैंस लिए हैं? चार भैंस लिए हैं। तो उसमें से ये है मंदन भाई लिए पचवा। पचवा, तो इसे कितने में लिए हैं? ये लिए हैं 45,000। 45,000 में। ये कौन से बयान में होगी आपके देखने से? पहले मंदन भाई से पूछिए। मंदन भाई, इसके इसके पास जो बच्चा है, पारी है। बच्चा पढ़िया है, बिल्कुल नया बच्चा है, नाभि लगा हुआ है, है ना? इसे कितना में लिए भैया? 45,000 रुपए में। जब आप इस भैंस को लेने के लिए यहाँ पे आए थे तो आपसे कितना मांगा जा रहा था? 70,000 रुपये मांगा जा रहा था, लेकिन भैया आपने सूझबूझ से इसे 45,000 रुपये में अभी अभी लिए हैं ना भैया? वो 45,000 रुपये वाली भैंस है कुछ इस तरह से। यही तरफ ले रहा गणेशु को। गणेशु भाई अच्छे आदमी हैं। देखा लिखनियों का, देखा कितना गाढ़ा दिलाओ तुम्हें। गणेशु भाई एक बात बताइए, यहाँ से जो भैंस खरीद के लेके जाते हैं अपने बनारस में, तो मंडी में ले जाते हैं कि घर से? बेचते हैं, आगरा बेचते हैं। अच्छा, और फिर घर पे बेचते हैं। यानी आप एक व्यापारी व्यक्ति हैं? व्यापारी, हमारे मंदन भाई है, हमारे वो प्रत्याशी मेरे साथ रहते हैं। मंदन भैया का मेरे ला पहले। हाँ भैया आ गए, भैया आ गए वीडियो में, आ गए। थोड़ा लज्जित हो रहा है लेकिन आ गए हैं वीडियो में, आ गए हैं। जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ के मेला मंडी में किस तरह से कीमत मांगा जाता है और किस तरह से लोग अपने सूझबूझ से भैंसों को अच्छे बजट में खरीद लेते हैं, है ना? कहीं ना कहीं इस भैंस का कीमत 70 के करीब मांगा जा रहा था, लेकिन ये लोग अपने सूझबूझ से इसे 45 के करीब खरीदे हैं। बच्चा इसके पास पढ़िया है, बिल्कुल नया बच्चा है, नाभि लगा हुआ है उस बच्चे का, ये देख रहे हैं ना, नाभि लटक रहा है। बच्चा दूध पीने में मशगूल। रामानंद जी, रामानंद जी एक बात बताइए, इस मेला मंडी में भैंसे कब सस्ती हो जाएंगे? हिंदी में बोलिए, हिंदी में। इस महीने के बाद, इस महीने के बाद भैंसे सस्ती हो जाएंगी। बहुत कम लोग हैं इसमें। भाई लोग, अभी अभी इसी भैंस के थनों को देखा जा रहा था और इसका बच्चा देखिए यहाँ पे क्या है भैया, बच्चा पाड़ा है, पाड़ा है ना? यही भैंस अभी अभी बिकी है। कितने में बिकी है? 53 पर बिकी है। 53 पे इन्हीं की भैंस है, आपकी की भैंस है? 53,000 रुपये में ये भैंस अभी अभी बिकी है। इसका पहले आप लोग कितना मांग रहे थे? 70 मांग रहे थे। 70 मांग रहे थे, 53,000 रुपये में अभी अभी बिकी है।
है।